प्रणाम। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे कुछ सामाजिक व्यवहार के बारे में। तो आइए चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं समय को व्यर्थ न करते हुए। तो आज का दिन अच्छा है क्योंकि सूरज निकला हुआ है और आपको एक मैं राजा के बारे में बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ जो हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर जिसको लिखा गया है, जिनका वर्णन किया गया है। देखो, राजा धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समाः राजानम् अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः। चाणक्य नीति के श्लोक का हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे और इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य चाणक्य किस बारे में और कैसे बखान कर रहे हो और किस चीज़ को वो कहने की कोशिश कर रहे हो और हमारे जीवन के अंदर इस चीज़ का क्या महत्व है। देखो, आचार्य चाणक्य ने श्लोक के रूप में कई बातें ऐसी लिख रखी है जिनको आप संस्कृत के अंदर एकदम से तो नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम उसकी व्याख्या करने लग जाए तो आपको एकदम समझ में आ जाती है। तो हम हिंदी में उस बात को आपको बताएंगे और आपको सुन करके फॉलो करना है या फिर देखना है कि अपने जीवन के अंदर क्या हमारे समाज की स्थिति ऐसी तो नहीं, क्या हमारा समाज इतना बिगड़ा हुआ तो नहीं, और हमारे समाज के अंदर ये चीज़ें अगर ठीक होती तो हमारा समाज क्या ऐसी हालत में जैसी हालत में आज है, क्या ऐसा होता? ना तो बच्चों का ढंग अच्छा है, ना बड़ों का, ना बुजुर्गों का, ना महिलाओं का, किसी भी प्रकार से कोई भी उस सत्य के मार्ग की तो बात छोड़ो, धर्म के मार्ग जो उसका दैनिक जीवन का कर्तव्य होता है कि उसको भी वो फॉलो नहीं करता, उसका भी वो पालन नहीं करता। तो राजा ने क्या कहा है राजा के बारे में आचार्य चाणक्य? राज्य ही धर्मणि धर्मिष्ठा कहता है कि अगर राजा धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक होनी स्वाभाविक है। राज्य ही धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समाहा। और फिर आगे चल करके ये कह दिया इसी श्लोक में ही कि अगर राजा पापी है, यानी कि आप सोचो कि आपका राजा कौन है, यहाँ है कोई राजा? मुझे तो दिखता नहीं भाई कोई राजा है इधर, यहाँ तो कोई राजा नहीं है, तो वो भी पाप का ही भागीदार है। अगर राजा नहीं है और राजा है भी, अगर वो धर्म का पालन नहीं करता, वो पाप का ही भागी है। तो राज्य धर्मणि धर्मिष्ठा, अगर हमारा धार्मिक राजा है तो हमारी जनता भी धार्मिक हो जाएगी और हमें जीवन में हमारा उत्कर्ष करने की वो सोचेगा और हमको आगे बढ़ने में बड़ी सहायता प्रदान होगी, क्योंकि राजा के हाथ में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। अगर हमारा, बाय द वे, आप मान लीजिए आपका कहीं राज है तो आपकी जो पब्लिक मानती है, बात मानती है, तो आप धर्म का चाहे जितना प्रचार कर लो, लेकिन अगर दुष्टों का राज हमारे ऊपर है तो आप कितनी ही कोशिश कर लो कि आपको ना तो कहीं एक इंच जमीन मिलने वाली, ना आपको खाने के लिए अच्छे साधन मिलने वाले, ना आपको पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलने वाली, कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर राजा धार्मिक है तो आपको सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाओगे और उनको अपने जीवन में फॉलो भी कर पाओगे। लेकिन राजा अगर धार्मिक नहीं है, राजा अगर ढंग का नहीं है, तो फिर उस राज्य का नाश ही हो जाता है। तो राजा करप्शनिस्ट हो जाता है, जैसे करप्शन करते हैं, अत्याचार करते हैं, आप समझ सकते हो बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं समाज के अंदर जो हम देखते हैं, पर उनको होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है, कोई राजा न होने के कारण। अब यहाँ राजा का अभिप्राय तो पहले समय में तो राजा हुआ करते थे, उन्होंने राजा के संबंध में ये बात कही जा रही है, लेकिन राजा का अभिप्राय यहाँ पर हमारे कोई समझदार व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई इस जिम्मेवारी को उठाने वाला, कोई इस चीज़ को फॉलो करने वाला, इस चीज़ को समझाने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपनी मन मर्जी के मालिक हो चुके हैं। और मन हमारा ऐसा होता है, चंचल स्वभाव का होता है, वो आपसे गलत भी करवा सकता है, ठीक भी कर सकता है। तो कोई ज्ञान है नहीं किसी को, पढ़ाई लिखाई जीवन में है नहीं, सत्य का किसी को बोध नहीं है, सत्य का किसी को ज्ञान नहीं है, और चीज़ें ऐसे ही हमारी चलती रहती है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा अगर आपका राजा अच्छा है, राजा ही धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समाह, फिर आगे चल के कहा अगर राजा पापी है तो आप पाप करने में भी बिल्कुल भी नहीं चूक, क्योंकि राजा मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला है, राजा अत्याचार करने वाला है, राजा व्यभिचार करने वाला है, तो आप भी फिर ऐसे ही बनते चले जाओगे, क्योंकि शासन की व्यवस्था उसके हाथ में, सारा धन वैभव सामर्थ्य है, ऐश्वर्य, सारी जमीन जायदाद उसके पास में, और वो जैसा चाहेगा ऐसी व्यवस्थाएं बनेगी नहीं। तो आप इस बात को समझ सकते हो डेफिनेटली, मैं जो जिस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर राजा नमन और वर्तनते, फिर आगे चल के कहा कि जो प्रजा होती है राजा का अनुसरण करती है, जैसा राजा है, यानी कि राजा अगर अच्छा है तो प्रजा ये सोचेगी मुझे राजा की तरह बनना है, क्योंकि हमारे जब इतने बड़े व्यक्ति ऐसा काम कर रहे तो हम करने से हमको क्या होगा, अगर वो गलत करे तो राजा, फिर प्रजा उसका भी पालन करेगी, अगर राजा गलत कर रहा है तो ये तो बात है ही डेफिनेटली। इसलिए कहा यथा राजा तथा प्रजा, और जैसी प्रजा होगी ऐसा ही राजा हो जाएगा, जैसा राजा होगा ऐसी प्रजा हो जाएगी। अगर प्रजा के हाथ में आज लोकतंत्र है, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई शासन न होने के कारण किसी के ऊपर ना तो कोई नियंत्रण कर सकता, ना किसी के ऊपर कोई पंजा कर सकता, यहाँ खुले में अपराध हो जाते हैं, खुले में मतलब कि यहाँ मारपीट का अपराध हो जाता है, खुले में गायों को चुरा लेते हैं, खुले में गाय गाली गलौज चलती रहती है, खुले में जुआ खेलते हैं, पता है इतनी सारी बातें जो होती रहती है, उन चीज़ों को आप समझ सकते हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या शासन व्यवस्था अच्छी न होने के कारण ये चीज़ें बार बार घटती है और अपराधों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपराध एक नहीं असंख्य रूप ले लेता है। और जब वो एक बच्चा किसी अपराधी को देखता है तो उसके मन के अंदर, चित्त के अंदर वही संस्कार पनप जाते हैं और बड़ा होकर के वो भी अपराधी बनने के लिए अपने कदमों को बढ़ा देता है। जैसा हम अपनी आंखों से ग्रहण करेंगे, जैसा हम अपने कानों से सुनेंगे, जैसा हम अपनी त्वचा से स्पर्श करेंगे, ऐसा ही ज्ञान हमको होगा,
तो हम अगर किसी राजा को गलत करते हुए देखते हैं, हम किसी व्यक्ति को गलत करते हुए देखते हैं, तो हमारा भी मानसिक संतुलन ऐसा ही बन जाता है। जैसे कि आजकल गेम वगैरह में होता है कि पहले तो नकलियों में गोली चलाते, फिर असलियत में चलाने लगते हैं। तो समाज की जो दुर्दशा है, इसका मेन रीज़न यही है। अगर कोई शासन व्यवस्था हमारी अच्छी होती, हमारे यहाँ का तो शासन व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर अच्छी होती तो समाज के अंदर ये जो चीज़ें घट रही है बार बार, ये नहीं घटती। इसलिए वहाँ का यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा ऐसी प्रजा भी बन जाएगी। आप समझ लो कि हमारा राजा कैसा है, हमारा अगर कोई राज, पहली बात तो है नहीं, अगर हमारा कोई राजा भी है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई है, वैसे तो है नहीं, अगर कोई है तो अच्छा। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा का अनुसरण पब्लिक करती है, लेकिन राजा ही ढंग का नहीं है तो भाई क्या होगा, तो समाज का नाश हो जाएगा। इसलिए खंड खंड टुकड़ों में समाज के टुकड़े हो चुके हैं। वो यही रीज़न है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और न सुनने के कारण इस समाज के अंदर अपराधों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी, और एक दिन ये जो घर परिवार जैसे भी बसे हुए, ये शमशान और नरक के समान हो जाएगा। यहाँ किसी का कोई अस्तित्व नहीं ठहरेगा, और ऐसी आप कल्पना कर सकते हो कि फिर वो समाज क्या होगा। घर घर के अंदर अपराधी पैदा होंगे, घर घर के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जिनकी समाज को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भागवत गीता के अंदर तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंत कर दिया था अर्जुन के माध्यम से, लेकिन आज क्या कोई ऐसा है जो अपने कंधों के ऊपर इस जिम्मेवारी को लेकर के चल दे? मुझे तो भाई कोई दिखाई नहीं देता। अब हमारी छोटी उम्र, हमको समझते कि भैया तो पागल ऐसे बकबक करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में समाज को दिशा देने के लिए, निर्देश करने के लिए किसी को अपने जीवन को आहूत करना ही पड़ता है। और अगर आहूति नहीं होती है तो फिर यज्ञ के अंदर से कोई चीज़ प्रकट नहीं होती बिना आहूति के। आहूति जब डालोगे संसार में कुछ जब ही होगा। तो इसलिए कुछ है जो, जहाँ तक हमारी बात पहुँचती है, तो कुछ जो समझदार तबके के लोग हैं उनको अपने कंधों के ऊपर ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर अपनी यहाँ से पावर होती तो हम इस काम को करने के लिए प्रयत्नशील होते। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि राजा को ऐसा होना चाहिए, उसकी प्रजा का उसको ध्यान रखना, उसकी प्रजा का उसको पालन पोषण करना। भगवान श्री राम को की अगर आप जीवनी पढ़ोगे तो भगवान श्री राम राजा के बेटा होने के कारण भी सुबह 4 बजे उठ करके पब्लिक की सेवा करने के लिए जाते थे, तो वो भी तो राजा थे ना। और उनका जीवन देख लो आप, मतलब कि एक ऐसी नगरी की उन्होंने स्थापना कर डाली जिसको अयोध्या कहते हैं, और अयोध्या का मतलब जहाँ पर किसी प्रकार का कोई युद्ध उस अयोध्या नगरी के अंदर नहीं हुआ करता था। तो श्री रामचंद्र जी का इसलिए इतना ज़्यादा वखन शास्त्रों के अंदर है, उनकी पूरी की पूरी रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, जो जिसका जीवन भी आप उसकी देखोगे तो आपको बड़ा ही रोचक और आनंददायक प्रतीत होकर आपको बड़ी ही प्रेरणा मिलेगी, आपको बड़ा ही मोटिवेशन मिलेगा। तो बात सिर्फ कहने की ये है कि राजा जैसा होगा प्रजा भी आपकी ऐसी बन जाएगी। अगर आपका राजा अच्छा है तो आपकी प्रजा भी अच्छी बनेगी, अगर आपका राजा अच्छा नहीं है तो आपका जीवन नाश की तरफ बढ़ता चला जाएगा। फिर ना तो आपके बच्चे समझेंगे, ना ही आप समझ पाओगे, ना संभल पाओगे, क्योंकि सारी शासन व्यवस्था, तो क्योंकि वो कोई अपराध करेगा तो उसके लिए पुलिस क्या, उसके पास पैसा भी, पैसे दे करके छूट जाएगा, तो पुलिस वाले क्या था, करप्शन क्यों बढ़ता है। यहाँ से जाए, गए चौकी में रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट कराने के बाद पैसे दे दिए, फिर बाहर निकल करके आ गए तो बिना पैसों के, तो पुलिस वाले तो मतलब कि पैसों में ही मान जाते हैं, और पैसों में जब मान जाते हैं तो फिर भाई मैं तो किसी का नाम लेकर के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियलिटी तो है, उनको तो बस 1,500 रुपये में बिक जाते हैं। आजकल की शासन व्यवस्था कैसी हो गई है, हमने अपनी आंखों से देखा, हम तो इसलिए कह रहे हैं, बल्कि किसी का नाम लेकर के कहे तो फिर उसको एक ही भाई हमको ही मारने के लिए आ जाता है। तो बात समझने की, जैसा राजा वैसी प्रजा, और प्रजा जैसी रहेगी राजा वैसा ही होगा। इसलिए राजा नम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा, और ये बात बहुत ही प्राचीन काल से ही प्रचलित है। इस बात को हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से कह भी रखा है। इसलिए जहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी वहाँ के लोग अच्छे, जहाँ की शासन व्यवस्था खराब वहाँ का लोग भी खराब है, क्योंकि उनके पर एक दंड नीति लागू कर दी जाती है। और दंड नीति में जब वो आ जाते हैं तो कम से कम ये तो है कि कम से कम उनके ऊपर पंजा तो रहता है किसी बड़ी सत्ता का, किसी बड़ी ताकत का। अब तो अपराध इसलिए कर देते कि उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल सत्ता काम करती है। अब वो इंडिविजुअल सत्ता कह लो, ईश्वर का संविधान कह लो, अब गॉड का एग्जिस्टेंस कह लो, आप कुछ भी कह लो, कि वो तो ऐसा है जो आपको फल दे करके ही मानता है। आज नहीं तो कल अगर हम कोई अपराध कर भी बैठते हैं किसी गलती के कारण से भी, तो हमको मिलेगा उसका परिणाम, उसको हमको पश्चाताप की तो बात दूर की बात, उसका हमको परिणाम और रिजल्ट भोगने को मिलेगा ही। तो आपसे अनुरोध है, अगर अच्छी शासन व्यवस्था अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर समाज के अंदर ये जो खंड खंड टुकड़े इसके हो रखे हैं, जो वैर भाव पनपरा है, जो लड़ाई झगड़े रात दिन देखते हैं, सुबह से शाम तक जो हमारे आसपास जो आप ठेके दिखाई देखते हो, और मांस मदिरा, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो अनर्थक है, जो जिनका कोई मूल स्वभाव नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बदलती रहती है, उनका एग्जिस्टेंस क्यों है? तो शासन व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण। और अगर हमारी शासन व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो आचार्य का चाणक्य का ये कहना सार्थक हो जाएगा, राजा न मनोवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा, भाई जैसी प्रजा वैसा राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, दोनों तरीके से आप इस बात को मान सकते हो। प्रजा अच्छी है तो राजा सुधर सकता है,
और राजा सुधरा हुआ है तो प्रजा भी सुधर सकती है, क्योंकि प्रजा राजा के हाथ में ताकत होती है। तो आपको मेरी बात शायद उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी छोटी सी बात पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आप मुझे पहली बार फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे यूट्यूब के ऊपर फॉलो करना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना। जब तक के लिए धन्यवाद।